आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू भरके पराठा, जिसके लिए हम लिए हैं 1 किलो आलू, जो इसको धो के अब मैं उबालने जा रही हूँ। निकल गया है, कढ़ाई गरम हो गया है। अब मैं इसमें रिफाइंड तेल डाल रही हूँ 2 टेस्पून। इसको गरम होने देंगे, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें पंचफोरना का फोरन डाल रही हूँ, जो समोसा में डलाता है। पंचफोरना छटक गया है। अब मैं इसमें लाल हरी मिर्ची डाल रही हूँ, इसको बारीक काट रही हूँ। भी फ्राई हो गया। मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ, अदरक कलर, इसको भी फ्राई कर लूंगी। ये देखिए लहसुन भी फ्राई हो गया है। ये देखिए प्याज फ्राई हो गया है। आलू को छील लिए हैं, छील के इस तरह से मैश कर लेंगे फोर्क की सहायता से। अब मैं इसमें 2 टेस्पून नमक डाल रही हूँ। प्याज भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ मैश किया हुआ। मिला लेंगे, गैस का फ्लेम जो तेज रहने देंगे। ये देखिए 4 करी पत्ता लिए हैं, इसको हम इस तरह से धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। इस तरह से इस पत्ते को निकाल लेंगे। निकाल के इस तरह से कट कर लेंगे बारीक। ये देखिए चोखा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें करी पत्ता डाल रही हूँ। करी पत्ता डाल के इसको मिला लेंगे। चोखा फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। ठंडा होने के लिए इसको 5 मिनट छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे। निकाल के इसको इस तरह से फैला देंगे ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। ये देखिए आलू भर के पराठा बनाने के लिए हम इसमें 1 कटोरी आटा ले रहे हैं। और 1 कटोरी मैदा। वन टेस्पून जमाइन। 1 टेस्पून नमक। 1 टेस्पून रिफाइंड तेल। अब इसको इस तरह से हाथ से इसको मिला लेंगे। मूंग जो डाले हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मिला लिए हैं। इस तरह से पानी डाल के धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आटा को सान लेंगे। चारों तरफ से पानी डालेंगे, पानी डाल के मिला लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे से आटा सान गया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी ढक के। इस तरह से इसको ढक के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट रेस्ट हो गया है। अब मैं इसको उघाड़ लूंगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से आटा सॉफ्ट हो गया है। अब बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इस तरह से हल्का सा आटा लगा लेंगे हाथ में और लोई काट लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लेंगे। इस तरह से हाथ से दबाने से आटा और सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। इसको इस तरह से गोल कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा आटा लगा लेंगे। आटा लगा के इस तरह से औंठा की सहायता से इसको गोल कर लेंगे। बीच में इसको प्रेस कर देंगे और इसमें चोखा भर लेंगे दबा के। इस तरह से इसको गोल कर लेंगे। इस तरह से ऐसे इसको दबा देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गया है। अब इसको इस तरह से हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे। ऐसे बेलने में अच्छा होता है। ये देखिए सभी लोई बना लिए हैं। अब इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। अब इसके बेल लेंगे हल्के हाथों से। ये देखिए बिला गया है। ये देखिए फ्राई पैन गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। अब इसको पलट लेंगे। पलट के इसमें रिफाइंड तेल लगा देंगे। आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं। ये देखिए इसको हल्के हाथों से। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल गया है पूरी। जैसे कढ़ाही में फूलता है उसी तरीके से फूल गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से बन गया है। ये देखिए ये भी फूल के तैयार हो गई है। इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे दही के साथ सर्व कर रहे हैं। आपको मन आए तो चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।